आज बुधवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन मटवारी स्थित होटल श्री विनायक में किया गया, जिसमें माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार, लघु सिंचाई जल संसाधन, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग बिहार सरकार, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष स झारखंड प्रभारी फैज आशिक सिद्दीकी के साथ नंदलाल मांझी, शंकर महतो सम्मेलन में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हजारीबाग जिले के अलावा उत्तरी छोटानागपुर जिलों के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तो शुरू से ग्रासरूट से काम करना है। देखिए, कहीं भी नई जगह शुरुआत होता है तो ग्रासरूट से ही काम करने के लिए होता है, और शुरुआत ग्रासरूट से ही करना चाहिए, तभी जाकर के आपको यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी होगी, तो आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। हमारे साथ हमारे यहाँ के संगठन के प्रभारी और झारखंड के प्रभारी फैज सिद्दीकी हैं, और इनका एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पर हम लोग अपनी बातों को जनता तक पहुँचा पा रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्यानंद मांझी जी का जो गरीबों के प्रति प्रेम है, गरीबों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आकर के सबसे पहले हम लोगों का काम है कि संगठन काम कैसे विस्तार करें। सबसे सर्वप्रथम बात होती है कि संगठन में हम जिला अध्यक्ष को चुनते हैं, उसके बाद प्रखंड स्तर पर जाएंगे, फिर गांव स्तर, वार्ड स्तर पर जाएंगे। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाला समय में आप देखेंगे हम की आवाज़ यहाँ बुलंद होगी, हम भी चुनाव की तैयारी है चल रही है क्या झारखंड में? देखिए, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। जब हम अपने आप को इतना सक्षम समझेंगे, हम समझेंगे कि हम चुनाव लड़ने लायक हैं, हमारे कार्यकर्ता सफल हो चुके हैं, हम लोगों के पास इतने कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव भी लड़ते हैं। मंत्री जी, आपके पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप बेपेंदी के लोटा हैं, कभी इधर कभी उधर, आपका सिद्धांत क्या है? देखिए, बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं, सिद्धांत हमारी, हमने आपको अभी मंच से ही बोला है कि हम गरीबों की सेवा करने आए, गरीबों की आवाज़ बन के आए हैं। और जब कोई गरीब की बात करता है तो कुछ लोग ऐसे सामंती विचारधारा के लोग होते हैं, इस तरह की बात करते हैं, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको नहीं सुनते हैं। राजनीति में बहुत घटनाएं हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आप देखे होंगे, किसी प्रदेश में कहाँ लोग जाते हैं आते हैं, जो गरीब होता है, जो कमज़ोर होता है, उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहा है लोग कि हम सशक्त हो रहे हैं, एक विकल्प बन सकते हैं, तो तरह तरह की बात करके आपको दबाने की कोशिश। मगर ये तो सच है ना मंत्री जी, कि आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं? ये देखिए, विचारधारा की लड़ाई, हम कहाँ किधर जा रहे हैं, हम गरीबों के साथ हैं, गरीब की भलाई जहाँ वहाँ हैं और वहाँ रहेंगे। भाषा विवाद को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, बिहार में भी विवाद शुरू हो रहा है, किस रूप में देख रहे हैं? भाषा की विवाद तो बिहार में नहीं, भोजपुरी और मगही को यहाँ से बाहर किया जा रहा है, उसे परीक्षा में शामिल नहीं लिया जा रहा, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ये तो देखिए, हम लोग बिहार में, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नीतीश कुमार जी को बोला है कि भोजपुरी को भी हम लोग इसको करें, भोजपुरी और मगही, मगही तो हम लोग की अपनी भाषा है, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं मगही भाषा, और झारखंड में भी मगही अच्छी संख्या में बोली जाती है, तो हम लोग चाहेंगे, हमारी पार्टी जब यहाँ पर आएगी उभरेगी तो हम मगही के लिए संघर्ष करेंगे, भोजपुरी के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि बिहारियों की भाषा है, और झारखंड भी एक बिहार हुआ करता था, तब तक राज हो जाने से कोई बात नहीं, हम बहुत संख्या में लोग इस भाषा को बोलने वाले रहते हैं, लेकिन भाषा का कोई विवाद नहीं है, भाषा एक अभिव्यक्ति है और एक विचार है, जिसके माध्यम से हम लोग उस माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं।